नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, 200 लीटर के ड्रम को काट के मैंने आधा किया है, 100 लीटर ये ड्रम है और इसके अंदर मैंने कच्चा गाय का गोबर भरा हुआ है और कच्चे गाय के गोबर में मैंने इसके ऊपर OWDC का छिड़काव किया है, ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर का मैंने छिड़काव किया है। मैं देखता हूँ कि ये गोबर कितने दिन में डिकम्पोज हो जाएगा और इसकी खाद, भुरभुरी खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें कच्चा गोबर भरा हुआ है। जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा। 1 महीना 8 दिन बाद ये कच्चे गोबर का हाल देखिए, बिल्कुल काला हो गया है और इसके अंदर टोटल मैंने बेस्ट डिकम्पोजर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर मैंने इसके अंदर भर रखा है और ये देखिए, इसको मैंने कभी भी खाली नहीं होने दिया। जैसे जैसे ये कल्चर सूख जाता था इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर क्या करता था, इस तरह से एक मेरे पास लोहे की छड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोहे की छड़ है, ये देखिए ये लोहे की छड़ है और मैं इस तरह से इसमें, ये देखिए इस तरह से बीच बीच में होल कर देता हूँ, ये देखिए नीचे से निकल रहा है ये बिल्कुल काला, ये देखिए इस तरह से मैं इसे बीच बीच में इसमें छेद कर देता हूँ और इसी छेदों में ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने पूरी राड इसके अंदर मैंने डाल दी, पूरे ड्रम में इसी तरह से मैं इसमें छेद कर देता हूँ और छेद करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ इधर, ये जो OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, ओरिजिनल वेस्ट कम्पोजर की डिब्बी से मैंने 130 लीटर ड्रम में पानी भरकर उसमें 1.25 किलो गुड़ डालकर और इसी डिब्बी का जो मदर कल्चर था वो मैंने उसमें डाल रखा था और काफ़ी समय से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर मिला है, पुराने वाले बेस्ट डिकम्पोजर से बहुत सुंदर। ये देखिए इसका जेल, लिक्विड जेल। और मैं क्या करता था समय समय पर, इस तरह से देखिए मैं दिखाता हूँ, इस तरह से जो मैंने छेद किए हैं इन छेदों में, ये देखिए वेस्ट डिकम्पोजर ऐसे भर देता हूँ, इस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर का जेल जो लिक्विड है, जो तरल में है, ये देखिए ये कल्चर मैं इस तरह से इसके ड्रम के अंदर ऐसे भर देता हूँ और ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो गया है और 1 महीना 8 दिन के अंदर ही ये लगभग हाफ से ज़्यादा डिकम्पोज हो गया है और देखिए इसके अंदर कलर कितना काला कलर, और ये प्योर गाय का गोबर है, कच्चा गाय का गोबर। मेरे को उम्मीद है ये बहुत जल्दी बन जाएगा और जब ये बन के तैयार होगा मैं पार्ट में वीडियो आपको बना बना के समय समय पे दिखाता रहूँगा कि ये कैसा कल्चर और ये कैसी मेरी खाद, बिल्कुल जैविक ऑर्गेनिक और बैक्टीरिया कल्चर से बनी हुई मेरी ये ऑर्गेनिक खाद होगी, जो घर की बनी खाद होगी मेरी। अब मेरे को बाज़ार से कभी भी गोबर की बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको अभी इतना दिखाया है, आगे चल के इसका जैसे मैं फाइनल वीडियो, अब जब बन के तैयार हो जाएगी, कितने दिन में बन के तैयार होगी, तो इसका एक फाइनल अपडेट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए 24/3/2022 इस ड्रम में हवा नहीं लग रही थी जिसमें मैंने कंपोस्ट गोबर की, गाय के गोबर की कंपोस्ट बनाने का पूरा प्रयास किया था, तो इसको देखिए मैंने इस तरह से पलटा दिया, पूरा ड्रम देखिए खाली कर दिया और ये मैंने इस तरह से देखिए ज़मीन पलटा दिया, ये देखिए, और जैसे ही मैंने ज़मीन में इसको पलटाया ये नीचे ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड ज़्यादा भरा हुआ था जिसके कारण से ये बह चला, ये देखिए बह के यहाँ तक आ गया और मैं आपको दिखा दूँ इधर ये थर्मोकोल डब्बे के नीचे भी घुस गया और इधर भी देखिए ये बह के आ गया। मगर जब ये अभी आधे घंटे पहले मैंने इसको खोल के
गिराया इससे, तब ये बिल्कुल पीला रंग लिए हुए था, मगर जैसे जैसे इसमें हवा लगने लगी ये देखिए कालिमा ले रहा है। और ये बह के देखिए कहाँ तक गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वहाँ तक डब्बा तक बह के जा चुका है और ये एकदम काला होने लगा है। अब इसके अंदर हवा लगेगी और ये एकदम अपना रंग चेंज कर देगा और बहुत जल्दी अब डीकम्पोज होगा। मैं समझ गया कि ड्रम के अंदर भर के अगर आप इसको रख देंगे तो ये इसके अंदर हवा नहीं लगती, क्योंकि ड्रम के अंदर कोई हवा नहीं लगती और ये कंपोस्ट होने में काफ़ी समय लग गया। तो गोबर को जब भी कच्चा गोबर आप भरें, तो अब मैं समझ गया अब मैं इसको कैसे इकट्ठा करके, और ये ज़रा थोड़ा सूख जाए फिर ईंटें लगा के इकट्ठा करके जैसे मैं बनाऊँगा मैं आपको फिर दिखाऊँगा। पच्चीस चार 2022, 25/4/2022 ओरिजिनल बेस डीकम्पोजर मैं बराबर इसके ऊपर छिड़काव करता रहा और ये मेरी खाद आज फाइनल बनकर तैयार हो गई है, पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ये तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गई है और मैं जब इसको मसल रहा हूँ तो इसके अंदर से मिट्टी की खुशबू आ रही है, इसके अंदर से कच्चे गोबर की बिल्कुल खुशबू नहीं आ रही है। इस तरह से देखिए मैंने अपनी छत के ऊपर ऑर्गेनिक कच्चे गोबर से खाद को बना लिया और ये गाय का गोबर है। और देखो मैं आपको इसको मसल के दिखाता हूँ, अभी मैं आप इसको मसल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये कच्चा गोबर और इस तरह से देखिए इसको मसला मैंने, ये बिल्कुल डीकम्पोज हो गया है, इसमें किसी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही है, कोई खुशबू नहीं है, केवल जो खुशबू आ रही है वो मिट्टी की खुशबू है। जब मिट्टी की खुशबू आने लगे तो आप भी समझ लेना कि मेरा जो कच्चा गोबर है लगभग मैं मान लेता हूँ कि 3 महीने लगे इसको डीकम्पोज होने में और ये पूरी तरह से पौधों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़काव करता रहूँगा जिसमें इसमें बैक्टीरिया की कमी ना हो जाए, क्योंकि नमी बनाकर रखना है। और इसके बाद मैं इसको अपनी मिट्टी और धान की भूसी में मिक्स करा लूँगा, मिक्स करने के बाद इसको बोरी में भर के छाया की जगह में रख लूँगा और जब भी मैं इस्तेमाल करना होगा इसी को इस्तेमाल करूँगा। और फिर से मैं अपनी छत के ऊपर डब्बों में कच्चा गोबर ला के भर दूँगा और फिर से नई खाद बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे मेरे को बाज़ार से कोई भी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह पूरी तरह से डीकम्पोज हो गई है और मैं अब की बार इसको डब्बे में नहीं भरूंगा, अब की बार मैं इसको ईंटें लगाकर और नीचे मोमियां बिछाकर लगभग 6-7 इंच इसको बिछा दूंगा और इसके बाद में उसी के ऊपर डीकम्पोजर डालता रहूंगा, क्योंकि मैंने इस तरह से अब की बार बेस डीकम्पोजर से पहली बार ओरिजिनल बेस डीकम्पोजर से ये काली काली इतनी सुंदर अब फ्री में अपने घर के लिए अपने बगीचे के लिए डीकम्पोज खाद तैयार की है। और ये बिल्कुल जैविक है, बिल्कुल जैविक है कि बैक्टीरिया कल्चर में बनी हुई है, इसलिए ये जैविक है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।